दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक डुअल चैनल फ्लासर एलईडी ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एलईडी ट्री को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो पीस BC547 ट्रांजिस्टर और दो पीस 100 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद एक ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन हम दूसरे ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस 27 के रजिस्टर। उसके बाद एक रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और दूसरा रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद ये दो रजिस्टर का बाकी दो पिंस हम एक साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा और पांच पीस ग्रीन कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद ये पांच एलईडी हम ये दो कॉपर वायर के टुकड़े के साथ पैरेलल लाइन में ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम इस ग्रीन एलईडी का कॉमन पॉजिटिव पिन इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे और दो पीस मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा और पांच पीस रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद ये पांच एलईडी हम ये दो तार के टुकड़े के साथ पैरेलल लाइन में ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम इस रेड एलईडी का कॉमन पॉजिटिव पिन इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस 68 ओम रजिस्टर। उसके बाद एक रजिस्टर हम ग्रीन एलईडी के कॉमन नेगेटिव पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद दूसरा रजिस्टर हम रेड एलईडी के कॉमन नेगेटिव पिन के साथ और इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। Thank you.